हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रिपोर्ट्स के जो हमारे प्रीवियस क्लास में जो टाइप पढ़ रहे थे उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ रिपोर्ट के टाइप्स देख लिए थे, जैसे फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, स्टेटवरी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट, नॉन स्टेटवरी रिपोर्ट्स, मीटिंग रिपोर्ट एंड ऑफिशियल्स रिपोर्ट। इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लेंगे कमिटी रिपोर्ट। क्या होती है कमिटी रिपोर्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। समटाइम्स कमिटी आर कंस्टिट्यूटेड टू द रिसर्च वर्क ऑन अ सर्टन टॉपिक, यानी कि कभी कभी किसी विषय पर अध्ययन के लिए समिति का गठन कर दिया जाता है। इन समितियों या उप समितियों को रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। कब हम बनाते हैं किसी हम कमिटी कब बनाते हैं किसी रिसर्च वर्क ऑन सर्टेन टॉपिक, ठीक है। देन दीज कमिटी प्रिपेयर अ रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। ये जो रिपोर्ट होती है ये सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसकी शैली जो होती है वो औपचारिक होती है। ये किस तरह से होती है, फॉर्मल रिपोर्ट की तरह ही होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें ये बताया है कि द लैंग्वेज यूज इन दिस रिपोर्ट इज अ फॉर्मल, ठीक है। दिस रिपोर्ट आर साइंड बाय एवरी मेंबर ऑफ द साइंड बाय एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी। कमिटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या करेंगे, उस पर साइन करेंगे। क्लियर है यहाँ पर। ये था आपका कमिटी रिपोर्ट। कमिटी रिपोर्ट यानी कि पहले आपकी एक कमिटी बना दी जाती है। उस कमिटी, वो कमिटी किस लिए बनाई गई है, यहाँ पर किसी वर्क को रिसर्च करने के लिए कमिटी, किसी सर्टेन टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए कमिटी बनाई गई है। और उस कमिटी के द्वारा जो प्रेजेंट और जो प्रिपेयर की जाती है रिपोर्ट, प्रिपेयर्ड बाय कमिटी, वो होती है हमारी कमिटी रिपोर्ट, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है। और साइन कौन करता है, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी। क्लियर है, ये थी हमारी कमिटी रिपोर्ट। अब हम आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। चलिए प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख लेते हैं। प्रोग्रेस एक सेकेंड, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट का वैसे नाम से ही स्पष्ट है कि होती क्या है, प्रगति रिपोर्ट, हिंदी में उसको कहते हैं प्रगति रिपोर्ट। चलिए इस पर बात करते हैं कि दीज रिपोर्ट कवर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। ये जो रिपोर्ट होती है वो क्या करती है, कवर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। वर्क का जितना कार्य प्रगति हुई है उस कार्य में, वो सारा क्या करना है आपको, यहाँ शो करना है, ठीक है। देन आपके दे रखा है कि अचीवमेंट और प्रॉब्लम्स जो हमारे वर्क के टाइम हमको फेस करनी पड़ती है उनका हमको क्या करना है, उल्लेख करना है। और इसके साथ साथ दे ऑल्सो कवर द वर्क विच येट नॉट कम्प्लीटेड। ये साथ में क्या प्रेजेंट भी करते हैं कि वो भी करते हैं जो इन्होंने नहीं किया, जो इन्होंने अभी कार्य करना बाकी है, जो अभी कंप्लीट होगा, ठीक है, अभी पूरा किया जाना है। तो उस काम को भी ये क्या करते हैं, उस रिपोर्ट में शो करते हैं, द वर्क विच इज येट टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड। क्लियर है यहाँ पर। ये था हमारा कंप्लीटेड वर्क। अब हम आगे देखो, इसी के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे हम किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी साइन, प्रोग्रेस रिपोर्ट में
आप जिस भी काम को कर रहे हो उस काम के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, यानी कि उसमें काम कितना हुआ है, वर्क की प्रोग्रेस कितनी हुई है, उन सबको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। देन उसके बाद ऑल्सो कवर द वर्क विच इज येट नॉट येट टू बी कम्प्लीटेड, जो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, कम्प्लीट किया जाना बाकी है, उसको भी यहाँ शो किया जाएगा। देन उसके बाद कंपनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है उस काम को पूरा करने में, उसको भी क्या किया जाता है, यहाँ पर शो किया जाता है। तो ये थी हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब हम आगे बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। स्पेशल रिपोर्ट क्या होता है उस पर बात करते हैं। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट का मतलब होता है विशेष रिपोर्ट, हिंदी में उसको टर्म को कहते हैं विशेष रिपोर्ट। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं विशेष रिपोर्ट पर। समटाइम रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड ड्यू टू स्पेशल सीजन, प्रिपेयर्ड ड्यू टू स्पेशल सीजन। ये जो रिपोर्ट है वो कि कभी कभी किसी विशेष विषय पर भी रिपोर्ट दे दी जाती है, किसी नई शाखा के संबंध में या कर्मचारी में व्याप्त निराशा की भावना को दूर करने के लिए तैयार की जाती है। जैसे कि द रिपोर्ट प्रिपेयर टू बूस्ट द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेशल रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट कवर सिचुएशन, दिस रिपोर्ट cover situation which don't take place again। ऐसे कार्यों, ऐसे इन रिपोर्टों में प्राय कोई ऐसी दोबारा न घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित भी हो सकती है, यानी कि जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके पूरी कंपनी का जितना भी उसका टाइम पीरियड है उसमें एक ही बार हुआ है केवल। ठीक है, तो उस के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल रिपोर्ट। किसी स्पेशल काम या किसी स्पेशल टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो वो आपकी स्पेशल रिपोर्ट मानी जाएगी। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी रूटीन रिपोर्ट। अब रूटीन रिपोर्ट पर आते हैं, क्या कहता है रूटीन रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं नैतिक रिपोर्ट। चलिए इस पर बात करते हैं कि द रिपोर्ट विच आर प्रिपेयर्ड आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल कॉल्ड रूटीन रिपोर्ट्स। यानी कुछ रिपोर्ट एक निश्चित अंतराल के बाद पेश की जाती है, यह रिपोर्ट विस्तृत रूप से हो सकती है और यह संक्षिप्त रूप से भी हो सकती है। देखिए, द रिपोर्ट विच आर prepared after fixed time, किसी fixed time के बाद ये बनाई जाती है, fixed time intervals called routine report। ऐसे report को क्या कहते हैं हम, routine reports। ठीक है, जो रिपोर्ट किसी निश्चित समय या फिक्स टाइम के बाद ही बनाई जाती है तो उसको कहते हैं रूटीन रिपोर्ट। ठीक है, दिस रिपोर्ट मे बी इन डिटेल और इन अ समराइज्ड। यानी या तो ये रिपोर्ट क्या होगी, डिटेल में होगी, या फिर ये क्या होगी, हो सकती है समराइज, यानी शॉर्ट फॉर्म में भी ये हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ द मेन
एम ऑफ दिस रिपोर्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल रूटीन रिपोर्ट में गवर्नमेंट, जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट हुई, म्यूनसिपैलिटी की रिपोर्ट हुई, मीटिंग रिपोर्ट, चैम्बर कॉमर्स रिपोर्ट, इस तरह से आप क्या, ये रिपोर्ट जो किसी फिक्स टाइम के बाद आपको बनानी ही होती है वो आपकी मानी जाती है रूटीन रिपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन पर बात करते हैं। रिकमेंडेशन, ठीक है, ये क्या होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं सिफारिश, सिफारिशें, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, व्हेन सम रिसर्च वर्क इज कंप्लीटेड देन द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट इट्स एंड रिजल्ट एंड रिकमेंडेशन इज कॉल्ड रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट वित्तीय, ये जो रिपोर्ट है, जब किसी अनुसंधान का कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके परिणामों से संबंध में अंतिम जो कंक्लूजन और जो सजेशन दिया जाता है देने के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, और इस तरह की रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन रिपोर्ट। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं, व्हेन सम रिसर्च वर्क is completed then the report prepared to present its end result and recommendation is called recommendation report। जो रिपोर्ट किसी अनुसंधान के बाद उसके कंक्लूजन और उसके जो भी रिकमेंडेशन यानी सुझावों को पेश करती है और सुझावों को देने के लिए बनाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, रिकमेंडेशन रिपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, यानी सांख्यिकी रिपोर्ट। रिपोर्ट ये है सांख्यिकीय रिपोर्ट, इसमें क्या होता है उस पर बात करते हैं। चलिए, दीज रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये रिपोर्ट किस बेस पर बनाई जाती है? सबसे पहला चेंज करते हैं, दिख ही नहीं रहा है, स्टैटिस्टिकल डेटा, मैथमेटिकल चार्ट्स ऑफ टेबल्स, ठीक है, इस तरह से इस इनके बेस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। दिस रिपोर्ट कैन बी ऑल्सो प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ ईजी टू यूज रिकमेंडेशंस। सांख्यिकी रिपोर्ट जो होती है वो वित्तीय आंकड़ों और गणितीय चार्ट और सारणी के आधार पर क्या करती है, पेश रिपोर्ट दे दी जाती है। इसे इस बेस पर बनाई जाती है तथा आंकड़ों
सांख्यिकी आंकड़ों को सुविधाजनक सिफारिशों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटाज होते हैं, इनसे जो भी डेटाज मिलते हैं, हम उसको एज ए रिकमेंडेशन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये थी हमारी स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स। अब हमारी जो लास्ट रिपोर्ट बचती है वो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एग्जामिनेशन रिपोर्ट सेकेंड लास्ट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एग्जामिनेशन रिपोर्ट यानी परीक्षण रिपोर्ट। परीक्षण रिपोर्ट, ठीक है? ये क्या कहता है कि द रिपोर्ट प्रेजेंटेड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ सम टाइम इज कॉल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। यानी कि किसी प्रकार की जांच पूरी करने के बाद जो रिपोर्ट दे दी जाती है उसको एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहा जाता है। द रिपोर्ट प्रेजेंटेड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ सम टाइप इज कॉल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो किसी जांच के पूरी करने के बाद दी जाती है तो वो रिपोर्ट आपकी कौन सी है? एग्जामिनेशन रिपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए, दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड स्पेशली एंड अंडर द टू अंडर स्पेशल सर्कमटेंसेस। ये इस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो अंडर स्पेशल सर्कमटेंसेस के बनाई जाती है। स्पेशल सर्कमटेंसेस, ठीक है? दिस रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसर्च। ये जो है वो अनुसंधान करने के बाद बनाई जाती है। ओल्ड फाइल आर स्टडी, पुरानी फाइलें पढ़ी जाती है। इंटरव्यू आर डन दैट पीपल रिलेटेड आर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर एनालाइज एंड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस होल एक्सरसाइज कंक्लूजन आर ड्रॉन। दिस रिपोर्ट में कॉन्टेन रिकमेंडेशन। क्लियर है यहाँ पर? अब इसके बाद जो लास्ट हमारी बचती है वो है, ये थी हमारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसके बाद हमारी लास्ट जो बचती है वो कुछ हमारी फीजिबिलिटी रिपोर्ट। हिंदी में कहते हैं इसको संभाव्य रिपोर्ट। क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? ये हमारी लास्ट रिपोर्ट है, इस पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट नए उत्पादों और अन्य व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व उसके भावी विक्रय संभावनाओं को, अभी तक हमने क्या किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस हम क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर की जो सेल्स है, फ्यूचर सेल्स और प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, ठीक है? तो फोरकास्टिंग करते हैं हम, और उनको फोरकास्ट करके हम क्या करते हैं, हम अपना एक एस्टिमेट बना देते हैं और उसी हिसाब से हम अपनी नए प्रोजेक्ट की, जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फेस करते हैं, उनका वैल्यू देखते हैं, ठीक है? तो अगर हमने फ्यूचर के रिलेटेड, ये देखिए, अगर हमने फोरकास्ट किया है कब, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमने अगर फोरकास्ट किया है कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट इतना होगा, हमारा सेल इतना होगा, तो वो रिपोर्ट, इससे रिलेटेड जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं वो क्या होगी, हमारी फिजिबिलिटी यानी संभाव्य रिपोर्ट, ठीक है? और इस रिपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, ये रिपोर्ट काम कहाँ आती है हमारे, जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की वैल्यू लगाते हैं तो उसमें हम ये एस्टिमेट करके चल सकते हैं कि फोरकास्टिंग में हमारा प्रॉफिट इतने
सेल को मानते हुए हमारा प्रॉफिट इतना हुआ था, तो इस प्रोजेक्ट में हमारी वैल्यू कितनी रखनी है। तो ये हेल्प भी करती है प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजन लेने में। और इसमें इस तरह की जो भी रिपोर्ट होती है उसको हम कहते हैं संभाव्य रिपोर्ट, यानी पॉसिबिलिटीज है सिर्फ, क्या है हमारी पॉसिबिलिटीज। कंफर्म नहीं कह सकते कि जो हमने अनुमान लगाया है वो सही ही हो, क्लियर है, गलत भी हो सकता है, पर हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक फोरकास्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो पूर्वानुमान के बेस पर जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको कहते हैं संभाव्य रिपोर्ट, क्लियर है। तो ये थी हमारी टाइप्स रिपोर्ट के सारे, आधे टाइप्स हमने कुछ एक टाइप्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे, कुछ एक टाइप्स हमने आज पढ़ लिए। आज हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े देखिए, सबसे पहला था कमिटी रिपोर्ट, सेकेंड था हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट, थर्ड था हमारा स्पेशल रिपोर्ट, फिर था हमारा रूटीन रिपोर्ट, नेक्स्ट था हमारा रिकमेंडेशन रिपोर्ट, एंड उसके बाद था स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट एंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट, एंड लास्ट था फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट का यही ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेट तो वैसे हमने देख लिया था, फिर भी एक बार हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ रिपोर्ट्स के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहना। थैंक यू आज की क्लास के लिए।